Hello and welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil service examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. Miranam Dr. H. Main is Sidhu hai, may Abhimanyu IS may Indian economy and international relations teach karta hun. I have been mentoring the civil service aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil service examinations. Abhi have started a mein se related series start ki hai IS. hamare learned faculty members apne, apne expertise उन एरियाज़ में से इंपॉर्टेंट कॉन्प्ट विच आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामेन्स उनको डिस्कस करते हैं तो so, आज जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए लिया है दैट इज़ रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशन एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रूल्स ऑफ ओरिजन तो ये टॉपिक रूल्स ऑफ ओरिजन के साथ रिलेटेड है क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का जो पार्ट है उसको स्टडी करते हैं इंटरनेशनल so, ट्रेड में या जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कंट्रीज़ के बीच में बीच में होते हैं उनके अंदर ये क्लॉज होती है रूल्स ऑफ ओरिजिन की ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है ये बेसिकली एक सॉर्ट sort ऑफ of, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा कोई समझौता हुआ है ट्रेड से रिलेटेड उन कंट्रीज से हमारे कंट्री को एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स को यू कैन से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए ये रूल्स ऑफ ओरिजन डाले जाते हैं मैं इसको एक बहुत सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं लेट सपोज देर आर द टू कंट्रीज वन इज कंट्री एक्स एंड द अदर कंट्री इज लेट सपोज दैट इज कंट्री वाई एक्स कंट्री एंड वाई एक्स एंड वाई कंट्री हैग्रीमेंट दैट इज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इट मीन्स सो वाई कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट एक्स कंट्री को होगी तो उसके ऊपर जो टैरिफ नहीं लगेगा उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगेंगी तो अब क्या है कि एक्स कंट्री ने ये जो फैसिलिटी है ये किस को दी है ओनली फॉर दो गुड्स विच आर बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम वाई कंट्री इन टू द एक्स कंट्री ओके सो इट मीन्स अब क्या है लेट सपोज कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कंट्री ए है कंट्री बी है कंट्री सी है इन कंट्रीज के साथ कंट्री एक्स का किसी किस्म का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये कंट्रीज ऐसा रूट बना सकते हैं कि ए से वाई को गुड्स आ जाएं लेट सपोज़ वाई का ए के साथ एग्रीमेंट है या बी से वाई को सी से वाई को गुड्स आ जाएं और फिर ये वाया वाई कंट्री ये गुड्स एक्स को एक्सपोर्ट करें तो इससे क्या होगा कि एक्स कंट्री को जो जो यू कैन से जो टैक्स का लॉस होगा क्योंकि जब एक्स कंट्री गुड्स इम्पोर्ट करेगा तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करेगा लेकिन वाई कंट्रीज के साथ या जो वाई कंट्री है उसके साथ एक्स कंट्री का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके चलते हुए वाई कंट्री से आने वाली गुड्स के ऊपर एक्स कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज नहीं करेगा तो लेकिन ये जो फैसिलिटी दी है ओनली एंड ओनली वाई कंट्री को दी है लेकिन इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं ए कंट्री बी कंट्री सी कंट्री अपनी गुड्स को अपनी ट्रेड को वाई कंट्री के थ्रू रूट करके एक्स कंट्री के लिए सो तो इस तरीके से जो वो यू कैन से एक्स कंट्री में गुड्स uh, एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो भी एक्स कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी लेता है तो उनसे ये बचने के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं तो इस चीज़ से बचने के लिए या इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं दैट व्हाट इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट लेट मी शेयर एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू एट एटन्यू आई वी आर कमेंसिंग फ्रेश बैचेस For the preparation of the UPSC and State Civil Services preliminary and main examinations targeting 2023 24, these will be online programs available through offline and online. Uh, these will be one year programs available through offline and online mode. And uh, if you want to join, you may click on the link given in the description. We are providing seven days free trial class also. So, concept ko. डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रूल्स ऑफ ओरिजन यहाँ क्या लिखा है कि रूल्स ऑफ ओरिजन इज ए टर्म दैट हैज़ रेलिवेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड वही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजन एक वो टर्म है जिसकी इंटरनेशनल ट्रेड में रेलिवेंस है वहाँ मैंशन होता है दीज आर द लीगल स्टैंडर्ड्स दैट सपोर्ट द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्री और रीजन ऑफ द ओरिजन सो so ये क्या है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंडर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है कुछ प्रोडक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन ऑफ ओरिजन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजन मींस किसी पर्टिकुलर कंट्री से जो प्रोडक्ट्स आएंगे जो वहाँ के प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर हम कुछ कंसेशन देंगे या उनको हम एक डिफरेंशिएटेड uh, ट्रीटमेंट uh, देंगे मीन्स फेवरेबल ट्रीटमेंट देंगे उसके लिए बनते हैं फॉर एग्जाम्पल कोटास काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग मेजर्स रेस्ट्रिक्ट गुड्स इम्पोर्टेड फ्राम स्पेसिफिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कई बार हम कुछ कोटाज फिक्स कर देते हैं कि जैसे लेट सपोज हम वही एग्जाम्पल लेते हैं एक्स कंट्री है वाई कंट्री है एक्स एंड वाई कंट्री के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बट यहाँ कोई ए कंट्री है ए कंट्री एंड एक्स कंट्री के बीच में किसी किस्म का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है बट एक्स का वाई के साथ फ्री में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो एक्स कंट्री की तरफ से एक कोटा डिटरमिन किया हुआ है कि ए कंट्री से हम इतना ही इम्पोर्ट करेंगे इससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो तब अब अब ये ए कंट्री ये क्या कर सकता है ये अपनी गुड्स को वाई के थ्रू रूट करके भिजवा सकता है एक्स कंट्री में तो इस चीज़ को बचने इस चीज़ से बचने के लिए हम ये रूल्स ऑफ औरजन यूज़ करते हैं समटाइम्स काउंट्रेलिंग ड्यूटीज़ होती हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज मीनस ये होता है कि जब किसी कंट्री के अंदर जो कुछ गुड्स के ऊपर सब्सिडीज़ दी जाती है जब वहाँ से वो गुड्स किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट की जाती है तो वो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो अपने कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है सो so दैट वो उनमें जो सब्सिडी का जो इफेक्ट है इंपोर्टिंग गुड्स की प्राइस में उसको निगेट किया जा सके सो so वो एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है सो so इससे बचने के लिए एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग होता है जब कोई कंट्री नोइंगली किसी दूसरे कंट्री को इकॉमी को वहाँ के मैन्यूफैक्चरर्स को प्रोड्यूसर्स को हार्म करने के लिए जब वहाँ वेरी लो प्राइस के ऊपर जो गुड्स है उनको डंप करना स्टार्ट करता है तो उस चीज़ से बचने के लिए इम्पोर्टिंग कंट्री है जो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करता है सो so, ऐसे आ, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो यू कैन से रूल्स ऑफ ओरिजिन यूज़ किए जाते हैं सो दैट इस एग्जाम्पल में जो ए कंट्री है वो वाई कंट्री के साथ जो एक्स का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका यू कैन से उसका इनलेजिटीमेट बेनिफिट ना ले सके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ द डब्ल्यू टी ओ जनरली फेस लोअर इम्पोर्ट बैरियर इन अदर मेंबर स्टेट्स दैट डू द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट जैसे डब्ल्यू टी ओ मेबर कंट्रीज हैं जो उनके बीच में जो भी एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होती है या जो ट्रांजेक्शनस होती हैं जो इंटरनेशनल व्यापार होता है ट्रेड होती है तो उसके ऊपर जो टर्म्स हैं वो थोड़ी फेवरेबल रहती हैं जो बैरियर्स हैं वो थोड़े लोअर किए होते हैं सो सो दैट इज राइट मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट इसको हम कहते हैं सो so दैट uh, कोई भी कंट्री डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स के बीच में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेगा ऐसा नहीं होगा कि मैं एक्स के साथ कोई और ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वाई के साथ और कर रहा हूँ एंड uh, हम सभी कंट्रीज डब्ल्यू टी ऊ के मेम्बर हैं सो जो कंट्रीज मोस्ट फेवर्ड नेशन कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट हो सकता है रूल्स ऑफ ओरिजन के जरिए मैनी बायलेट्रल एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स प्रोडक्ट्स ऑफ मेम्बर कंट्रीज फ्राम वेरियस रिक्वायरमेंट्स सो बहुत सारे ऐसे बाइलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं जो कि मेम्बर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को डिफरेंट रिक्वायरमेंट से यू कैन से छूट देते हैं सो so, इस चीज़ के लिए रूल्स ऑफ ओरिजन बनते हैं <laughs> let's understand with this example. under the 1992 nafta, mexico, canada and u.s. generally eliminated duties on each other's exports. so 1992 may a nafta sign hota hai, which is north america free trade agreement between the countries mexico, canada and the u.s. so a free trade agreement hota hai. इसके अंदर क्या होता है ड्यूटीज एलिमिनेट कर दी जाती हैं और ईच से एक्सपोर्ट्स हो मैक्सिको अगर कनाडा को एक्सपोर्ट करेगा तो ड्यूटीज नहीं लगेंगी मैक्सिको अमेरिका को करेगा नहीं ड्यूटी लगेगी कनाडा मैक्सिको या अमेरिका को करेगा नहीं ड्यूटी लगेगी अमेरिका कनाडा या मेक्सिको को एक्सपोर्ट करेगा ड्यूटी नहीं लगेगी सो so ऐसा प्रावधान है वाइल्ड एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज कॉन्टीन्यू टू फेस टैरिफ बैरियर्स जबकि अगर नाफ्टा रीजन से बाहर से अगर कुछ भी गुड्स आएंगी दो वो दो वो वाया कैनेडा होके अमेरिका में आए या वाया मैक्सिको होके अमेरिका में आएं या वाया मैक्सिको या, या अमेरिका होके वो कैनेडा में जाएं या वाया कनाडा या अमेरिका होके वो मैक्सिको में आएं तो उनके ऊपर जो भी है टैरिफ्स वो लगेंगे सो तो वहाँ कोई छूट नहीं रहेगी बिकॉज नाफ्टा वाज प्राइमरली डिजाइन टू बेनिफिट फॉर्म्स एंड वर्कर्स इन नॉर्थ अमेरिका नाफ्टा के पीछे परपज़ क्या था कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन है जो उसकी डेवलपमेंट हो उसकी प्रोग्रेस हो वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी uh, आए ओके सो पर्पस वाज दैट वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हों उनकी फर्म्स को बेनिफिट मिले इट वाज क्लियर दैट गुड्स मैन्युफैक्चर डेल्स वेयर कुड नॉट बी अलाउड टू सरकोट सो सो इसी बात में से ये बात क्लियर होती है दैट मीन्स ये जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है नाफ्टा के अंदर वो सिर्फ नाफ्टा रीजन के ही कंट्रीज के लिए है किसी और कंट्री की इकोनोमी को सपोर्ट करने के लिए जो नाफ्टा रीजन के जो कंट्रीज हैं वो किसी और कंट्री को अपने थ्रू अपने नाफ्टा के अदर मेंबर्स को गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तो दैट इज़ द पॉइंट मेयर लेबलिंग रिपैकेजिंग प्रोसेसिंग इन वन नाफ्टा कंट्री कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर टेरफ बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट टू अनदर नाफ्टा कंट्री सो so इसके अंदर फिर देखना होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन के अंदर देखना होता है कि क्या जो प्रोडक्ट लेट्स सपोज हम नाफ्टा की बात करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रोडक्ट अमेरिका में मेक्सिको के थ्रू एंटर हो रहा है क्या उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ओरिजन मेक्सिको में है या कहीं और है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी सीन अंडर द रूल्स ऑफ ओरिजन अगर उसका ओरिजन मेक्सिको में है तो उसके ऊपर अमेरिका के अंदर जब वो इम्पोर्ट होगा ड्यूटी नहीं लगेगी अगर वो कहीं मेक्सिको से बाहर से आया है बट वो थ्रू मेक्सिको अमेरिका में इम्पोर्ट होता है तो उसके ऊपर है जो ड्यूटी की छूट नहीं मिलेगी सो ये बेसिक बात होती है अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें तो इ, इसकी बात करते हैं लेट्स सपोज मेक्सिको के अंदर वीट प्रोड्यूस होती है और वो और वो वीट एक्सपोर्ट होती है यू को तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि इसका जो रूल ऑफ ऑ है दैट इज़ इन मैक्सिको बट देर सर्टन गुड्स ऐसी होती हैं कि जैसे उसके बहुत सारे पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में से आते हैं उनकी आके असेंबलेज होती है किसी एक प्लेस पे और फिर वो जाके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट uh, कर दी जाती है जैसे हम इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं लेट सपोज मैक्सिको के अंदर कुछ ऐसी चीज़ असेंबल होती है जिनके पार्ट एशिया में से यूरोप में से ऑस्ट्रेलिया में से आते हैं और वो फिर उनको असेंबल करके फिर वो फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को तो तो, तो इसका रूल्स ऑफ ओरिजन या इसका जो ओरिजन है हम वो कहाँ मानेंगे सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यू कैन से इन दिस वे सो ऐसी सब चीज़ें जो सब एग्रीमेंट होते हैं रूल्स एंड रीजन के अंदर डिफाइन कर लिया जाता है कि रूल्स ऑफ रीजन के, के अंडर हम हम इन सभी प्रोसेस को इन सभी प्रोडक्ट्स को इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मानेंगे कि दिज आर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन दिस पर्टिकुलर कंट्री और वो रूल्स ऑफ ओ के अंडर आएंगी एंड वो जो है उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो uh, जो प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट है जो वो दिया जाएगा सो so, ये इन चीजों के लिए होते हैं ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं ओके सो दैट कोई दूसरा कंट्री बेनिफिट ना ले सके गुड्स को रूट करके थ्रू मैक्सिको टू अमेरिका नो यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स ऑफ ओरिजिन डिफरेंट कंट्रीज में हैव डिफरेंट रूल्स ऑफ ओरिजिन अब ये डिपेंड करता है लेट सपोज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है सो so, दोनों कंट्री कंट्रीज डिसाइड करेंगे वट विल बी द रूल्स ऑफ ओरिजन हम किस चीज़ को हम मानेंगे कि इसका ओरिजन थाईलैंड में हुआ है या इसका ओरिजन इंडिया में हुआ है किसको हम नहीं मानेंगे अगर हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बैठ के डिसाइड करेंगे कि वट विल बी द रूल्स ऑफ ऑरिजन सो डिफरेंट कंट्रीज मेंिजन मोस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नाउ कंटेन प्रोविजन फॉर कंट्रीज टू नेगोशियेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ऐसी प्रोविजन होती हैं कंट्रीज जो नेगोशिएट करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स uh, के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं जैसे नाफ्टा के अंदर एक रूल है दैट एनी टी दैट इज फर्मेंटेड और पैकेज इन ए नाफ्टा कंट्री शुड बी डीम्ड टू हैव सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ ओरिजन रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट वॉज ओरिजिनली ग्रोन जैसे नाफ्टा की हमने एग्जाम्पल ली है कि उन्होंने अपने एग्रीमेंट के अंदर इस चीज़ को डाल लिया है कि जो टी है वो किसी भी कंट्री में क्यों ना ग्रो हुई हो अगर उसकी फॉर्मेंटेशन या अगर उसकी यू कैन से पैकेजिंग है जो वो नाफ्टा कंट्री में होती है तो उसका ओरिजिन नाफ्टा में ही माना जाएगा सो so, ऐसा होता है सो दैट मींस जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है वो डिपेंड करते हैं जो पार्टीज टू एग्रीमेंट हैं उनके ऊपर कि वो क्या रूल्स ऑफ ओरिजिन डिसाइड करते हैं कैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन डिसाइड करते हैं इसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकती so, in India, सो इन इंडिया रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजन द मिनिमम प्रोसेसिंग दैट शुड हैपन इन द कंट्री भारत के केस में रूल्स ऑफ ओरिजन प्रोविजन क्या है कि हमने कुछ मिनिमल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स रखी हैं जो हम देखते हैं कि वो हमारे एफ टी ए पार्टनर कंट्री में हो रही है या नहीं हो रही है अगर वो होगी तो हम मानेंगे कि दिस प्रोडक्ट हैज इट्स ओरिजिन इन आर एफ टी ए पार्टनर अगर वो नहीं होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे सो दैट द फाइनल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मे बी कॉल्ड ओरिजिनेटिंग गुड्स इन दैट कंट्री अंडर द प्रोविजन ए कंट्री दैट हैज एन विद इंडिया गुड्स फ्रॉम सम थर्ड कंट्री इन द इंडियन मार्केट बाई जस्ट पुटिंग ए लेबल ऑन इट सो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा थाईलैंड के पास ट्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का तो थाईलैंड यू कैन से चाइना की गुड्स को अपने थ्रू इंडिया में ला करके डंप करने लग जाएं तो इस चीज से बचने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजन है तो भारत में हम ऐसा अलाउ नहीं करते इट हैज़ टू अंडरटेक ए प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू एडिशन इन दैट प्रोडक्ट हाँ अगर चाइना से गुड्स आती हैं उसके अंदर थाईलैंड में एक प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू एडिशन हुई है जो हमारे एग्रीमेंट में है तभी हम उसका ओरिजिन थाईलैंड में मानेंगे अदरवाइज नहीं मानेंगे रूल्स ऑफ रिजन नॉर्म्स हेल्प कंटेन द डॉम्पिंग ऑफ गुड्स सो ये गुड्स की जो डम्पिंग होती है एक कंट्री की तरफ से दूसरे कंट्री में उसको कंटेन करने के लिए इसको यूज uh, करते हैं ओके सो दिस इज द पॉइंट देयर सो द टॉपिक इज ओवर आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स आई आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस यूर क्वेरी तो Thank you very much. We'll see you again next time with a new topic. All the best.